बहुत बार मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं। वे हर समय सोचते रहते हैं और उनके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। यह बात सत्य है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें अंदर से तोड़ देती हैं, और कुछ लोगों की बातें होती हैं जिससे भी हम मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाते हैं, और न ही फिर हमारी पढ़ाई हो पाती है और न ही कोई अन्य काम, और भी हमारे व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाता है। घर में जब देखो लड़ाई शुरू हो जाती है, पूरा दिन मूड ऑफ रहता है, कभी कभी तो माइंड में इतने बुरे ख्याल भी आने लग जाते हैं, अब ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा, अब सुसाइड कर लेते हैं। ये ख्याल ज़्यादातर लड़कियों के केस में आता है। अब हम सोचते हैं कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, तो इससे बाहर निकलने के दो ही तरीके हैं। एक तो ये कि लोग क्या बोलते हैं आपके बारे में, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप उनकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दो, या फिर उनकी कही हुई बातों को दिल पर ले लो। अब दिल पर लेने का ये मतलब नहीं कि आप उसी के बारे में सोचते रहो, नहीं, आपको ये साबित करना है कि मुझ में भी कुछ बात है। बस आपको अपनी पढ़ाई पे और अपने गोल पे फोकस करना है, और फालतू की चीज़ों को खुद से दूर करके अपने गोल के अचीवमेंट के बारे में सोचना है, और फिर जो आप ज़्यादा सोचते रहते हो ना, वो भी बंद हो जाएगा, और फिर आपको आपके गोल को पाने से कोई नहीं रोक सकता।